Hello, good morning students. How are you? Today we will discuss a new topic that is called recursion, and it is based on the function and depend upon the function, that is advanced topic of function. In this we can prepare the different types of functions using a recursion method. A recursion method is nothing, it's a way to call the function itself. Way to call the function itself. It is a way of programming of coding technique. It is a technique, simply technique hai. We have create a function. Jaise humne already functions create kiye hue hain. Then we have to create function and then call itself. Wo apne aap ko hi call karenge. In which the function call itself one or more times in its body. Means wo apne aap ko hi call karta jayega. Depend upon a condition ki kitni baar wo call karega. Usually it is returning the return value of this function call procedure. ठीक है, जो क्या रिटर्न करता है, जो उस कॉल के अंदर जिस वैल्यू को हमने इनपुट किया है, जैसे हमने यहाँ पर आई किया है, तो इट विल रिटर्न, यहाँ पर हम रिटर्न बाद में लिखेंगे, अभी हमने यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो हम यहाँ आई प्लस वन कर रहे हैं, मीन्स पहली बार हमने आई किया, देन सेकेंड टाइम्स हमने आई प्लस वन किया, इट मीन्स अगर हम आई की वैल्यू वन लेते हैं पहली बार, दूसरी बार टू हो जाएगी, फिर थ्री हो जाएगी, फिर फोर हो जाएगी, तो इट विल, अब जैसे हमने यहाँ प्रिंट आई लिखा हुआ है, तो इट विल प्रिंट वन टू थ्री फोर थ्री, तो दैट इज़ अ फंक्शन विदाउट लूप. अगर हमने कुछ पहले प्रोग्राम्स किए थे, दैट इज़ यूजिंग लूप्स, तो रिकर्शन इज लाइक ए लूप, ये लूप की तरह काम करते हैं. इफ़ अ फंक्शन डेफिनेशन फुलफिल सच कंडीशन, वी कैन कॉल दिस फंक्शन ए रिकर्शन फंक्शन. तो जिस अगर वो सारी कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की, अगर वो ये फुलफिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन. तो बेसिकली ये आइडिया क्या है कि इसमें हम विदाउट लूपिंग हम वी कैन प्रिंट द सीक्वेंस और वी कैन रिपीट द स्टेटमेंट अंटिल ए कंडीशन विल बी फुलफिल्ड. जब तक एक कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो जाती, हम किसी सच कुछ कोडिंग है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वी कैन रिपीट देम अंटिल द वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो दैट इज़ नथिंग. तो इसमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है. ये जो नॉर्मली हमने फंक्शंस किए हैं उसी की तरह ही है. यू कैन जस्ट add a code and you can make it a recursion function. तो इसका basically use कहाँ पर होता है, कई बार हमको होता है कि हमको loop use नहीं करनी है और we have a small code, हमें एक छोटा सा code ही बनाना है, लेकिन loop use नहीं करनी है, क्योंकि जब आप loop use करते हैं तो there is a process आपकी बढ़ जाती है, means जो आपकी process cycle है जो CPU के पास, वो बढ़ जाती है. But recursion functions के साथ वो cycle आपकी नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो function अपने आप को ही call की जा रहा है, बार बार अपने को call कर रहा है, वो लूप में नहीं जा रहा है, वो कॉल कर रहा है अपने आप को, जब तक कोई कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं हो जाती. जब तक ट्रू है वो कॉल करेगा, जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल ब्रेक द लूप एंड देन इट विल रिवर्ट बैक. जितने स्टेप वो इनसाइड गया है, अपने आप को कॉल किया है, देन फंक्शन रिवर्ट बैक कि वो अपने आप वापस की उसी जिस फर्स्ट सिचुएशन में आएगा, जो उसका पहली जो स्टेंस था उसी स्टेंस में वो वापस आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड रिकर्शन. तो रिकर्शन के यहाँ पर हम देखेंगे, देर विल बी अ टू लॉज ऑफ रिकर्शन. बेसिकली मस्ट हैव ए बेस केस, देर मस्ट बी एटलीस्ट वन बेस क्राइटेरिया कंडीशन. एक बेस क्राइटेरिया होना चाहिए. व्हेन सच कंडीशन इज मेट द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ. अगर वो कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं डाली है आपने, तो वो रिकर्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा. मीन वो रिकर्शन अपने आप में अंदर घुसता ही चला जाएगा और इट विल रिजल्ट द क्रैश द सिस्टम और क्लोज द एबनॉर्मल केस. वो एबनॉर्मल केस में आपका शट डाउन भी हो सकता है कंप्यूटर, आपकी एप्लीकेशन हैंग हो सकती है. देर में भी केस वेरी टू केस टू केस कि वो आप किस तरह का अपना फंक्शन वहाँ पर एग्जीक्यूट किया है. तो अगर हमको फंक्शन को अपने आप रोकना है, रिकर्शन को, देर विल बी ए कंडीशन, अ क्राइटेरिया शुड बी मैंशन इन द फंक्शन. देन मस्ट मूव फॉरवर्ड टू द बेस केस, देर विल बी सच कंडीशन भी होनी चाहिए कि वो अपने कंडीशंस को आगे मूव करे. ऐसा नहीं कि वो एक ही वैल्यू को लेकर रिपीट करता रहे. द रिकर्सिव कॉल शुड मूव इन सच ए वे दैट ईच टाइम इट कम क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया. मीन्स अगर आपको यू हैव टू प्रिंट वन टू टेन, यू हैव टू प्रिंट वन टू टेन, देन यू हैव टू राइट द कंडीशन इफ आई इज इक्वल टू टेन देन ब्रेक, देन आई इज इक्वल टू टेन देन ब्रेक. एंड ये तो आपकी कंडीशन हो गई कि वो अपने आप स्टॉप हो जाए. कब स्टॉप होगा, जब आई की वैल्यू टेन तक पहुंचेगी. हमने आई की वैल्यू ली हुई है वन, वी हैव स्टार्ट विद द वन. देन हाउ टू रीच द टेंथ, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू आई, जब भी हम कॉल करेंगे लिखेंगे आई प्लस वन. इट मीन्स
वो एवरी टाइम इट विल इंक्रीमेंट द वन वैल्यू टू द आई, वो आई की एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे अब जो आपकी बेस कंडीशन है उसके क्लोजर आएगा। तो देर विल बी टू लॉज कि आपको एक क्राइटेरिया देना है जिससे आपका जो रिकर्शन मेथड है वो क्लोज हो सके। क्लोज होने का मतलब है कि वो ब्रेक हो सके या स्टॉप हो सके, रिकर्शन का जो आपका जो फ्लो है वो बीच में ब्रेक हो जाए। दूसरा, वो मूव होना चाहिए क्लोजर टू द कंडीशन, उस कंडीशन के पास धीरे धीरे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडीशन के पास जा ही नहीं रहा बट मूव हो रहा है, ठीक है। आपने आई माइनस वन लिख दिया तो आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन हो जाएगी सॉरी, तो वो क्या होने जाएगा, नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पहुंचना है 10 तक, तो वो 10 तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। आपकी मूव कंडीशन तो है बट वो क्लोज टू द कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन से बहुत दूर जा रही है। तो देर शुड बी सम कंडीशन विच इज मेट द बेस कंडीशन, ठीक है। तो दैट इज द टू लॉस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिकर्शन, अगर हम एक एग्जांपल लें रिकर्शन का, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन, वी हैव ऑलरेडी डन द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, वी हैव टू यूजिंग लूप, हम लूप के थ्रू एक सच एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं, 12th में भी कर चुके हैं, कि हमने लूप लगाई द फैक्टोरियल 1 to n, जो नंबर हमने इनपुट कराया, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n विच इज एंटर बाय द यूजर। तो उसमें उस कंडीशन में हमने लूप को यूज किया था जो स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद द n नंबर, जो n नंबर तक एंड हुई थी, एंड मल्टीप्लाई बाय द ऑल नंबर 1 by 1। नाउ विदाउट लूप हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट इफ n लेस देन इक्वल टू 0, इफ सो रिटर्न 1। तो एल्गोरिथम क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 या उससे कम है तो वो रिटर्न 1 करेगा। अगर आपने कोई n नंबर डाला है, अगर उसकी 0 डाली है या 0 से कम है तो रिटर्न 1, मीन्स फैक्टोरियल उसका 1 माना जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर कोई वैल्यू 0 है, 0 या माइनस 1 में आ रही है, तो उसका एल्गोरिथम उसका फैक्टोरियल 1 माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, इट विल नॉट 1 0 देन इस एल्स 0 1 2 3 4 एनीथिंग, इफ नॉट देन कॉल द फैक्टोरियल एल्गोरिथम विद n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय n एंड रिटर्न दैट वैल्यू। तो अभी हमने क्या किया, हमने लिखा फैक्टोरियल 5, फिर हमने 5 फैक्टोरियल को किससे किया, फैक्टोरियल 4, हमने फैक्टोरियल को कॉल किया 4 से, देन फैक्टोरियल को कॉल किया 3 से, देन 2 से, देन 1 से। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 6 इंटू 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज 5 हो रहा है, फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 4, हमने यहाँ 4 का फैक्टोरियल किया, तो हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस 1, हमको जो नंबर है उससे माइनस 1 करके जाना है क्योंकि हमें 0 तक जाना है। आपको फैक्टोरियल का जो आपका मेन जो फैक्टोरियल होता है वो कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो देन यू हैव टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यू हैव टू कि आपके पास n है उसको आपको रिड्यूस करते हुए जाना है 0 तक, आपको 0 तक लेके आना है। तो 0 तक तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो 0 है, आपकी जो कंडीशन है वो 0 है कि आपको 0 करना है n को, तो n आपका 5 है, देन आपको क्या करना है, आपको 5 लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ 4 से, देन आपने 4 लेना है और मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ 3 से, देन यू हैव टू पुट 3 फैक्टोरियल ऑफ 2, देन 2 फैक्टोरियल ऑफ 1 एंड देन 1। अब आपका फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 आपका 2 आ जाएगा, दैट इज ये 2 आ गया, देन 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 4 24 एंड 24 इंटू 5 120, तो फैक्टोरियल ये वापस रिटर्न होता है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, दैट इज द वैल्यू produced by the factorial function 5. That is how without looping you can execute the function and find the output using recursion. So recursion is similar to the looping statement which is we have earlier studied in class 11th as well as 12th. So you have just focus that how the function will be work. Kaise function aapka work kar raha hai. तो ये फंक्शन जब तक आप समझ नहीं पाएंगे इनको, यू हैव टू, आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको यू हैव टू फोकस कि आपको ये प्रैक्टिकल करके भी देखना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ देखें दैट इज़ इसका जो पाइथन प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है रिकर्शन का, तो दैट इज़ डेफ, यू हैव टू राइट ए फंक्शन डेफ फैक्टोरियल एक्स, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, अगर x 1 हो जाता है तो आपको रिटर्न 1 करना है,
एल्स आपने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न जो आपने करना है वो एक्स करना है, एक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस वन। तो जो आप एक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी कब तक, जब तक कि आपकी एक्स की वैल्यू वन नहीं हो जाती। देन एफ इज इक्वल टू फैक्टोरियल फाइव, आपने यहाँ फाइव इनपुट किया, फाइव आपका एक्स के अंदर ट्रांसमिट हो गया, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर एंड देन इज कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं आपके, एक तो एक्चुअल होते हैं और एक आपके टेम्परेरी पार्शनल हैं या इसको हम बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। तो आपके ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, तो एक्स इज इक्वल टू पोजिशनल पैरामीटर्स हैं आपके, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, फाइव की वैल्यू एक्स में आपके पास चली जाएगी। देन ये आपका अपने आप ये प्रोसेस जो पूरी प्रोसेस है वो ये वाली प्रोसेस, दिस प्रोसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड लाइक दिस, ठीक है। देन जब ये फैक्टोरियल आपका ब्रेक हो जाएगा, देन रिटर्न वन, एंड ये रिटर्न हर पार्ट को रिटर्न करना चला जाएगा, देन आपका फाइव की वैल्यू 120 आपकी एफ में स्टोर हो जाएगी, देन यू हैव टू प्रिंट द एफ एंड द फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज इक्वल टू 120। दैट इज हाउ वी कैन यूज द रिकर्शन मैथड। तो यू हैव टू राइट अबाउट द रिकर्शन प्रोग्राम एग्जाम्पल इन योर नोटबुक, एंड द क्वेश्चन वॉज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट ऑल्सो राइट इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक एंड प्रिपेयर द नोट्स। आपने अभी इसके नोट्स आज ही बना लेने हैं, डेली यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स एंड राइट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस टॉपिक। एंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी यूजिंग व्हाट्सएप, यूजिंग कॉलिंग SMS और क्लास रूम के थ्रू भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इमीजिएटली। देन टिल नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।